नमस्कार। रायपुर महानगर पालिका नगर निगम की और इलेट्स ये दोनों के सहभाग से आयोजित किए हुए स्मार्ट सिटी समिट रायपुर के तीसरे दिन के सेकंड सेशन में हम सहभागी यहाँ पर सहभागी सभी ऑल एस्पेक्ट सभी और मंच पे उपस्थित नगर निगम के मेयर जिन्होंने इसका आयोजन किया है, हमारे मित्र प्रमोद दुबे जी अभी अभी यहाँ पे जिनका आगमन हुआ, वो विलासपुर के मेयर माननीय आदरणीय किशोर राय जी, MIC के सभी सदस्य, रायपुर महानगर पालिका के सभी कॉरपोरेटर्स, आज इस समिट में सभी लोगों ने अपने अपने विचार इसमें रखे हैं। आज सवेरे से महानगर पालिका के जो MIC के सदस्य है या पार्षद है, जोन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने विचार इस समिट में रखे हैं। हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के विपक्ष में बैठे हुए हमारे मनसे के गट नेता मंदार हलवे और हमारे विरोधी पक्ष के नेता प्रकाश भोईर, इन दोनों ने आज, खास करके मंदार ने यहाँ पे हमारे कॉरपोरेशन का जो स्मार्ट सिटी के रूप में हमारे जो कार्यक्रम शुरू है उनका भी ब्यौरा आपके सामने रखा हुआ है। रायपुर में आने के बाद में खासकर से मैं प्रमोद दुबे जी को तो पहले भी मिला हुआ, हमारे कल्याण डोंबिवली के समिट में आप लोग आए थे तो उन्होंने अपने रायपुर शहर के बारे में हमारे यहाँ जो विचार रखे थे तो वहां से हमको आइडिया आई थी कि ये एक शहर को आगे लेके जाने वाला मेयर इस रायपुर को निश्चित रूप से मिला है। और आप सभी भी अपने अपने भाषणों में, अपने अपने वक्तव्यों में, आप सभी लोग प्रमोद जी का यहाँ पर बहुत बहुत प्रमोद जी का आभार व्यक्त करते भी है। और इसी साथ में इस रायपुर नगर निगम के यंग कमिश्नर, वो भी यहाँ पे अभी जो सवेरे उठ के 7 बजे से मीटिंग करवाते, हमने कल सुना और इस समिट के दौरान उनको हमने देखा है। तो ऐसे अगर लीडर्स अगर कॉरपोरेशन को मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से कॉरपोरेटर तो प्रेरित होती है तो जनता भी प्रेरित उससे उनके कामों से निश्चित रूप से होती है। रायपुर शहर जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है तो निश्चित रूप से काम करने में जितना सहयोग अलग अलग इसका संस्थाओं का रहेगा उतनी ही कठिनाई भी निश्चित रूप से मेयर साहब के सामने रहेगी, पर उन सभी के ऊपर मार्गक्रमण निश्चित रूप से वो करते हैं। जो बेसिक समस्या यहाँ पे रखी गई, हम अपने कल्याण डोंबिवली शहर में उसमें क्या करते हैं वो हमारे मंदार जी ने आपको सबको बताया है। हमारा कल्याण डोंबिवली शहर जो मुंबई के नजदीक है, मुंबई से 50 किलोमीटर पे हमारे कल्याण डोंबिवली है और मुंबई जो के सबसे क्राउडेड सिटी है, दुनिया का हर कोई बड़े से अमीर आदमी भी मुंबई आना चाहता है और अपने भारत देश से देश के सभी हिस्सों से सभी प्रांतों से बहुत सारे लोग मुंबई में आके बसे हुए, आप सबको ये जानकारी है इस चीज की। तो ऐसे शहर के नजदीक होने और वहां पे हमारे यहाँ लोकल ट्रेन की सुविधा है, ब्रिटिशों के वक्त वहां की लोकल ट्रेन हमारे यहाँ शुरुआत हुई थी तो इसलिए हमारे शहर की आबादी भी इतनी बढ़ गई। 115 स्क्वायर किलोमीटर वाला शहर आज 20 लाख की पॉपुलेशन पार कर चुका है तो निश्चित रूप से ये जो सारी समस्याएं आपके सामने है वो हमारे यहाँ पे भी बड़े पैमाने पे। इस क्षेत्र में जो जो चीजें है, खासकर से श्री कुमार मेनन जी ने यहाँ पे कुछ बातें रखी और नागभूषण राव जो कि पानी का डिपार्टमेंट वो देखते हैं MIC का, उन्होंने भी अपने विचार यहाँ पे निश्चित रूप से रखे हैं। पहले तो आपकी ये सब जो सारी समस्या है, एक मेनन जी ने यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के तहत
ट्री प्लांटेशन की जो प्रोग्राम है वो बड़े पैमाने पे चलाना चाहिए, ऐसा उनके विचार उन्होंने यहाँ पे रखे हैं। निश्चित रूप से हमारे यहाँ महाराष्ट्र में हमारी अभी जो नई सरकार बनी है भाजपा और शिवसेना की, तो हमारे जो मिनिस्टर है फॉरेस्ट मिनिस्टर है सुधीर मुनगंटीवार, तो हर साल अभी पिछले साल पूरे राज्य में 2 करोड़ नए वृक्ष लगाने का निश्चय संकल्प उन्होंने किया था। अभी इस बार बारिश के दरमियान 4 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प एक टारगेट उन्होंने राज्य का रखा है, तो निश्चित रूप से ये टारगेट महानगरों को भी दिया जाता है, विलेज पंचायत ग्राम पंचायतों को भी दिया जाता है। तो पिछले बार कल्याण डुम्बिली मनपा को हमारे 20,000 वृक्ष लगाने का टारगेट दिया था, तो हमने जाके 50,000 वृक्ष वहां पे लगाए। तो बड़े पैमाने पे लोगों का सहभाग, कॉरपोरेशन का सहभाग इसमें अगर रहेगा तो झाड़ जहां जहां रोड बनेगी वहां निश्चित रूप से झाड़ तो कटने वाले हैं, पर अगर एक झाड़ कटता है तो वहां जाके 2 झाड़ लगाना चाहिए कॉरपोरेशन ने, उसने उस हिस्से में उस इस क्षेत्र में निश्चित रूप से आगे कदम रखना चाहिए। और मेरा जो सुझाव है, ये स्मार्ट सिटी हर एक क्षेत्र में, मतलब पानी में, रोड में, क्लीनलीनेस में, ये ट्री प्लांटेशन में, अगर हम सबको इस विषय में अगर आगे बढ़ना है तो शहर का जो आखिरी नागरिक है, आखिरी स्तर का नागरिक है, उसका सहभाग इस रूप में हमें निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और उसका सहभाग कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए एक कॉमन कुछ एक मैकेनिज्म निश्चित रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने हर एक महानगर पालिकाओं को, हर एक म्युनिसिपल काउंसिल्स को, ग्राम विलेज पंचायतों को भी देना चाहिए। क्योंकि कहीं भी अगर महापौर, उनके सभी पार्षद, कमिश्नर साथ में मिलकर आगे जाते हैं, फिर भी जब तक लोगों का उसमें सहभाग नहीं होगा तो तब तक हमें आखिरी सफलता निश्चित रूप से, बड़ी सफलता निश्चित रूप से मिलने में बहुत बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ मैकेनिज्म जो दोनों, जो लोगों की जो काम करने वाले हैं लोग, उनकी अकाउंटेबिलिटी, और जो लोग आखिरी लोग हैं, जो सबसे निचला हिस्सा है, उनका भी इसमें सहभाग, ऐसा कुछ एक मैकेनिज्म निश्चित रूप से डेवलप होना चाहिए। स्मार्ट सिटी के तहत अभी स्वच्छ भारत में शहरों का जो अभी रैंकिंग है वो डिक्लेयर किया गया कुछ दिन पहले, एक महीना 15-20 दिन पहले उसका रैंकिंग डिक्लेयर हुआ। तो अभी आगे जाके स्मार्ट सिटीज में शहर है उनका भी रैंकिंग निश्चित रूप से वहां, उसमें भी स्पर्धा होगी। पर इसका जो सब पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें निश्चित रूप से फिक्स करके देना चाहिए, और उस पैरामीटर्स में कौन सी महानगर पालिका बैठती है, क्या क्या करते हैं, उसमें उसका अगर चयन निश्चित रूप से होगा तो ही हम पूरे क्षेत्र में निश्चित रूप से यश प्राप्त करेंगे। मैं खासकर से सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो कमिश्नर्स है, उनके ऊपर सेक्रेटरिएट रहती है, ये सभी को हमारी अपील है कि आप जैसे भी निर्णय करते हैं उस निर्णय को आपका जो ब्यूरोक्रेसी का जो निचला हिस्सा है वो कैसे उसमें काम करता है, उसका भी कुछ निश्चित रूप से मैकेनिज्म आप लोग अगर तैयार करेंगे तो इसमें हमको यश निश्चित रूप से मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है हर एक क्षेत्र में, मतलब अभी आपके यहाँ मेयर इन काउंसिल है रायपुर में, हमारे यहाँ मेयर इन काउंसिल नहीं है, हमारे यहाँ मेयर से चेयरमैन है, स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, मतलब पानी खाते का है उसका भी एक चेयरमैन बना हुआ है, स्टैंडिंग कमिटी है, महिला बाल कल्याण का भी चेयरमैन है, पर हमें कुछ उतने भी है पावर्स नहीं है। बीपीएमसी एक्ट से हमारा कारोबार चलता है, 1949 का बीपीएमसी एक्ट है, हमको जो भी कुछ काम करना है तो वो प्रपोजल्स म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से कमिश्नर के तहत पहले जनरल बॉडी में आते हैं। जनरल बॉडी में आने के बाद में उसमें हम धोरणात्मक निर्णय लेते हैं। अभी जो धोरणात्मक निर्णय हमने लिया, कॉरपोरेशन ने, सब बॉडी ने, सबने मिलकर एक साथ अगर कुछ धोरणात्मक लिया तो उसपे अमल करना है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करना है नहीं करना है डिपेंड्स अपॉन द कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर नहीं चाहता है तो वो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो ऐसे ही बाजू में पड़ा रहता है। तो इसका अगर हमको केवल धोरणात्मक निर्णय करने का अधिकार है
तो इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है, मतलब ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें राज्य और सेंट्रल ये दोनों लोगों ने मिलकर इसमें निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि लोग अकाउंटेबिलिटी का अगर हम बात करेंगे तो जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, जैसे मेयर चुन के आते हैं, विधानसभा के मतलब एमएलए चुन के आते हैं या पार्षद चुन के आते हैं, उनको तो अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद दिखा नहीं देनी, जनता दिखा देती है। अगर हम अच्छा काम नहीं करवाते, अच्छे निर्णय ले लेते हैं, तो जनता हमें दूसरी बार चुन के नहीं देती है। पर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इसका कुछ उत्तरदायित्व, मतलब उनका कुछ उत्तरदायित्व तो कैसे तय किया जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा मिनिस्ट्री के सामने निश्चित रूप से है। और उसके ऊपर भी ये स्मार्ट सिटी के तहत हमारे जो मिनिस्टर साहब है, उन्होंने निर्णय निश्चित रूप से लेना चाहिए। मैं आज इतना ही यहाँ पे निश्चित रूप से कहता हूँ। और आपको एक बात निश्चित रूप से यहाँ जाते जाते मैं दोहराऊंगा, क्योंकि ये जो सब समस्या है अभी झोपड़पट्टी का, जहाँ हम लोगों के घर तोड़ते हैं और फिर उनका रिहैबिलिटेशन होता है, अभी बीएसयूपी वगैरह ये सब स्कीम आई है जिनके तहत हम लोग घर बनाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। आपने आदरणीय हमारे पार्टी के प्रमुख है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का नाम सुना है, जो पूरे मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई में तो महाराष्ट्र में पूरा राज करते थे। तो उनके नेतृत्व में, मतलब वो तो सरकार में कभी भी शामिल नहीं हुए, कभी किसी गवर्नमेंट का पोस्ट लिया नहीं, पर उनके नेतृत्व में 1995 में शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनी थी। तो सरकार बनने के बाद में एक एजेंडा उन्होंने निश्चित रूप से दिया था, तो बाला साहब ठाकरे जी को तो लोग, मतलब क्या लोगों में गैर समझ है जो बाकी सारे जो हिस्से है देश के, कि बाला साहब ठाकरे केवल मुंबई और महाराष्ट्र के हित की बात करते थे। पर जब उनकी सरकार, उनका चीफ मिनिस्टर मनोज जोशी बनाया उनको उन्होंने, तो पहला निर्णय जो उन्होंने लिया था, ये सब बीएसयूपी वगैरह स्कीम अभी बनती है, आपको मालूम है मुंबई में बड़े पैमाने पे सभी जाति धर्मों के लोग सभी देश के विभिन्न हिस्सों से आके वहां पे चाल में रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो पहला निर्णय उन्होंने लिया था कि ये जो सब लोग जो स्लम्स में रहते हैं, तो स्लम्स रीडेवलपमेंट अथॉरिटी उन्होंने बनाई थी, एसआरए, उनके तहत जो भी झोपड़पट्टी में जो जो लोग रहते हैं उनको 350 स्क्वायर फुट का मकान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। झोपड़पट्टी तोड़ के बिल्डिंग बनाएंगे, वहां 350 स्क्वायर फुट का मकान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यह निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल में, मतलब अपने चीफ मिनिस्टर से उसका अमल बजावनी इंप्लीमेंटेशन किया था। दूसरा एक आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो है, जो मुंबई से पुणे जहां हमको जाने में 8-8, 10-10 घंटे लगते थे, ये पहला एक्सप्रेसवे उनके नजरिए से, उनके दिमाग से निकला, जहां अभी केवल 2 घंटों में हम मुंबई से पुणे जाते हैं, जहां पहले हमको 8 घंटे लगते थे। और तीसरी बात, जो जनता के लिए जो 5 चीजें जो जीवनावश्यक है, जैसे चावल है, गेहूं है, शक्कर है, तेल है, पाम तेल, ये सब जो 5 चीजें जो रेशनिंग दुकान पे दिए जाते थे, उस 5 चीजों का जो रेट्स है, वो 5 चीजों के दर 5 वर्ष के लिए कायम रखे थे। तो ऐसे सब निर्णय उनके कार्यकाल में जो हुए थे, तो ऐसी पार्टी का हम प्रतिनिधित्व यहाँ पे करते हैं। तो निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी में भी जो आदरणीय अपने पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने ये शहरों में स्मार्ट सिटी के निर्माण के तहत जो शहरों में स्पर्धा लगाई है कि अच्छे शहर का निर्माण हम अपने उपलब्ध साधन सामग्री से, उपलब्ध हमारे फंडिंग से करें, तो ये जो स्पर्धा है यहाँ पे लगाई है, तो इसी के स्पर्धा के तहत हमें आगे जाने का संकल्प निश्चित रूप से सभी ने करना चाहिए। जैसे कि रायपुर के मेयर है, विलासपुर के मेयर है, तो ये सब लोग जब निर्णय लेते हैं तो उनको उनमें सहभाग होने का, उनको साथ देने का काम सभी कॉरपोरेटर्स और सभी जो ऑफिसर्स है उन्होंने भी निश्चित रूप से करना चाहते हैं। अगर हम हाथ में हाथ मिला के ब्यूरोक्रेसी और हमारे जनप्रतिनिधि अगर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता भी अपना सहभाग उसमें रखेगी। यही बात मैं यहाँ पे आज दोहराना चाहता हूँ। फिर एक बार मैं प्रमोद दुबे जी, श्री रवि गुप्ता जी और हमारे सभी इस महा रायपुर के हमारे नगर निगम के सभी कॉरपोरेटर, इनके प्रति आभार यहाँ पे व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।